काम बना? नहीं, उन्होंने दूसरा आदमी रख लिया। भूत तेरी, यहां भी नौकरी नहीं मिली? अरे यार, नौकरी ऐसे नहीं मिलती, उसके लिए पैसा चाहिए और सिफारिश चाहिए, और तेरे पास दोनों नहीं है। मेरी तो किस्मत ही खराब है, उम्मीद बनती है टूट जाती है। लेकिन तू दिल छोटा मत कर। सरस्वती, तू अपने पिताजी से मेरी बात करना, उनका तो बहुत बड़ा कारोबार है, कहीं ना कहीं मुझे जरूर रखवा देंगे। ये आइडिया तूने मेरे को पहले क्यों नहीं दिया? पिताजी बाहर गए, जैसे वो आएंगे मैं पहली बात तेरी करूंगा और तुझे नौकरी दिलवा दूंगा। चला, मैं तुझे छोड़ दूं। नहीं नहीं, मैं शंकर से मिलने जरा बैंक से जा रहा हूं। ये शंकर कौन है? तेरी तरह मेरा एक अच्छा दोस्त है। अरे तो मैं तेरे को वहां छोड़ देता हूं। अरे बैंडस्टैंड 4 कदम पे है, मैं पैदल चला जाता हूं। अच्छा अच्छा सुन, एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानेगा? नहीं। तुझे कुछ पैसे चाहिए? अभी नहीं, जब जरूरत होगी तुझसे मांग लूंगा। साला बहुत सीधा है। अरे सरस्वती, तुम बैठे रहो। तुम तो अमेरिका चले गए थे ना? हाँ सर, अमेरिका तो गया था, लेकिन वहां आप जैसा कोई प्रोफेसर नहीं था। 3 साल फेल हो गया, उसके बाद वापस आ गया। अब क्या करने का इरादा है सर? आपके तो कुछ ऐसा सोचा है कि आपका और आपके नहीं, मेरे माँ बाप का नाम एक साथ में रोशन करूं। जरूर करो। थैंक यू सर। अरे लवली लवली प्रोफेसर। देख विक्रम, बीमार बहन को घर में अकेली छोड़ के तो नौकरी के लिए मारा मारा फिरता है। नहीं तो क्या करूं? अरे मेहनत मजदूरी कर, 4 पैसे कमा। मैं लंगड़ा हूं, दिन भर फुग्गे बेचकर 5-7 रुपए कमा लेता हूं। तेरे तो हाथ पर भी सलामत है, 10 रुपए रोज भी कमाएगा तो महीने में 300। वो तो ठीक है शंकर, लेकिन मैं वो बीए पास करके फुग्गे कैसे बेचेगा? यही ना, यही तो दोष है तुम पढ़े लिखे लोगों में। समझते हो काले से डिग्रियां लेके निकलोगे और नौकरी मिल जाएगी? मेहनत मजदूरी करने में शर्म आती? नहीं शंकर, ये बात नहीं है। छोड़ यार, मैं जानता हूं तेरे जैसे ना जाने कितने बीएमए पास नौकरी की तलाश में मारे मारे फिरते हैं। ले, कई दिनों से रूपा को नहीं देखा, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। हाँ, चाय पी। रूपा, रूपा, शंकर ये तो बेहोश हो गई। अरे तू जल्दी से जाकर डॉक्टर को ले आ। जा, ये ले पैसे, ले जा, टैक्सी में जाना है। हाँ, जा, मैं इसके पास बैठता हूँ। विक्रम, तुम्हारी बहन की जान बचाने का एक ही तरीका है, वो है ऑपरेशन। ऑपरेशन? मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था, लेकिन अब ये एक इमरजेंसी केस हो गया है, कल सुबह तक ऑपरेशन हो जाना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर मधोक नामी सर्जन है और मेरे दोस्त, ऑपरेशन फ्री हो जाएगा, बस दवाओं, इंजेक्शन और ऊपर का खर्च होगा। कितना खर्च होगा? यही कोई 1000-1200। 1000-1200 जी, मैं इंतजाम कर लूंगा। मैं आज ही डॉक्टर मधु से अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ, हिम्मत से काम लोगे काम। कहाँ से होगा 1000-1200 का इंतजाम? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ शंकर। मेरा एक दोस्त है सरस्वती, बहुत पैसे वाले बाप का बेटा है, वो मेरी मदद जरूर करेगा। मैं भी उसके पास जाता हूँ, तुम रूपा के पास करो। हाँ? नमस्ते माँ जी। सरस्वती जी? नहीं बेटा, वो तो बाहर गया। कहाँ मिलेगा वो? उसे बहुत जरूरी काम है। इस वक्त तो पता नहीं, लेकिन शाम को क्लब में जरूर मिलेगा। अच्छा, नमस्ते। शंकर, क्या हुआ, क्या बात है? मेरे जाने के बाद रूपा की तबीयत अचानक खराब हो गई, मुंह से खून आने लगा। मैंने डॉक्टर को फोन किया, उसने कहा जल्दी अस्पताल ले आओ। पैसों का इंतजाम हुआ? नहीं अभी नहीं। फिर क्या होगा? तू घबरा मत, मैं सरस्वती से मिलने क्लब जा रहा हूँ, पैसे लेकर ही आऊंगा। तू जा। Excuse me. Yes, please. मुझे मिस्टर सरस्वती से मिलना है। मैं मिस्टर सरस्वती? शायद अभी तक आए नहीं। वो यहाँ आते तो रोज है ना जी। उनका क्या भरोसा, मनोज जी आदमी है, आए आए,
नहीं आए, नहीं आए। मैं उनका इंतजार कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स, आइए, तशरीफ रखिए। थैंक यू। दिल का चुराना या माल चुराना, दोनों बुरी बात है, बुरी बात। ला 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 ला। भाग रहे हो जी? चलो मेरे साथ। कहां? पुलिस स्टेशन जी। मैं नो आर्गुमेंट। तू मुसीबत किस पर नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम जैसा पढ़ा लिखा शरीफ इंसान चोरी करने पर आमादा। मजबूरी इंसान से सब कुछ करा देती है। मेरी जगह कोई और आदमी होता तो वो सीधा तुम्हें पुलिस के हवाले कर देता। फिर तुम्हारी बहन का क्या होता? उसका इलाज कौन करवाता? उसका ऑपरेशन कैसे होता? खैर, तुम्हें कितने रुपए चाहिए? 1200। मैं तुम्हें 1500 रुपए दे देता। आप देंगे?
और अभी मेरे पास हैं और तुम मुसीबत में हो। इसके बदले में मैं तुमसे कुछ भी काम ले लूंगा। आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आप जो कहेंगे मैं करूंगा। देखो, कोई भी काम शुरू करने से पहले इंसान का हुलिया दुरुस्त होना चाहिए। तुम्हारे और मेरे कद में कोई खास फर्क तो नहीं। सामने मेरा बेडरूम है, वहां बाथरूम भी है, अलमारी में मेरे पूरे कपड़े रखे हैं। हाथ मुंह धो लो और कोई अच्छा सा सूट पहन के तैयार हो जाओ, मैं भी आता हूं। ओके। अरे गीता, ओ गीता। जी बाबूजी। बेटी मैं तुझसे कहना भूल गया, तेरे हरिमाओं की चिट्ठी आई है। अरे वाह, सब ठीक है ना? उसके बेटे के मुंडन है। सब चलेंगे बाबूजी। सबको बुलाया है? अजीत आ जाए, उससे पूछ लेते हैं, बहुत दिन उससे मिले नहीं, हम सब चलेंगे तो खुश हो जाएगा। देख तू तो शायद अजीत आया। बाबूजी जा रहे हैं। आ गए बेटा अजीत। जी बाबूजी। जीते रहो। चलिए बाबूजी, आज किसी होटल में खाना खाने का मूड है। बेटा तुम तो जानते हो मैं जल्दी खा लेता हूँ, तुम इसे ले जाओ। नहीं बाबूजी, वो घर में सब खाना वेस्ट हो जाएगा। उसे ऐसी रहने दो, लाइफ में कोई वैरायटी, कुछ चेंज भी तो होना चाहिए। क्यों बाबूजी? बिल्कुल ठीक है, जा तुम कपड़े बदल लो, जा जल्दी। अजीत, गीता के यहाँ रहने से तुम्हें तकलीफ तो जरूर होती होगी। तकलीफ कैसी बाबूजी? मेरे फ्लैट में अकेले रहने के बजाय वो आपके पास रहती है, आपकी सेवा करती है। हाँ, पर मुझे अच्छा नहीं लगता, रहा मेरे खाने पीने का सवाल, वो मैं कॉलेज के कैंटीन में भी खा सकता हूँ। क्यों बाबूजी? जैसा चलता है चलने दीजिए। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन जब तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, बाल बच्चे हो जाएंगे तब। बाबूजी जब होगा तब देखा जाएगा। चलिए चले बाबूजी, जल्दी लौट आना। पहले सूप पीजिए भाभी, ये यहाँ की स्पेशलिटी है। नकल मत कीजिए, अजीत शुरू करो। तुम भी आओगे? हाँ। भाई सूप बहुत ही मजेदार है यशपाल। क्यों भी था है ना? ठीक नहीं, तो मेरे घर ले जाओ। हाँ चलो बेटा, आओ घर चलो। चलो खराब होगी, तुम इसे बेडरूम में ले जाकर ले जाओ, मैं भी डॉक्टर को लेकर। प्लीज नहीं आता, इसकी बेचारी की हालत ही है, और डॉक्टर थोड़ी देर के बाद आएगा। प्लीज तुम जाओ। जी मैं। हाँ, तुम्हारी बहन की तबीयत खराब है ना, ये रुपए लो, तुम जाओ। लेकिन आपने तो कहा था कुछ काम। अरे जहन्नुम में गया काम, देखते हैं मैं कितना परेशान हूँ, तुम्हारा तो काम हो गया ना, जाओ प्लीज। लेकिन आपके ओहो सूट भी ले जाओ भाई, जाओ अपनी बहन की जान बचाओ, जाओ जाओ। जी लेकिन ये ओहो जाओ जाओ बहन तुम्हारी। गीता तुम
अच्छा हुआ तू आ गया, मैं तेरी राह देख रहा था। ऐसा कैसे हुआ? हाँ, रूपा के साथ भगवान ने बचा लिया। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां और इंजेक्शन लिख के दिए हैं, जल्दी से जाके लिया। मैं अभी ये करा रहा हूँ। हैंगओवर का शर्तिया इलाज है। अरे अंकल, आप कब आए? कल रात ही। मैंने सोचा तुमसे सुबह ही मिलना ठीक होगा। क्या हाल है हमारी महाबलेश्वर की प्रॉपर्टी का? बुरा ही हाल है। मेरा ख्याल है उस प्रॉपर्टी को बेच देना ही ठीक होगा। कुछ लोगों ने जमीन के एक हिस्से पे जबरदस्ती कब्जा भी कर लिया। तो आप उन पर केस कर दीजिए। वो तो मुझे वहां जाके मालूम हुआ। देखो बेटी, मैंने तुम्हारे पिताजी के दोस्त होने के नाते उन्हें वचन दिया था, जब तक तुम पढ़ लिख के समझदार नहीं हो जाती, मैं तुम्हारा गार्जियन रहूंगा। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि अब तुम्हें ज्यादा से ज्यादा ध्यान अपने बिजनेस की तरफ देना चाहिए। तुम महीने में 5-6 मरता तो ऑफिस आती हो। ऑफिस का नाम सुनते मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है अंकल। आप मेरे लिए 2-4 मैनेजर अपॉइंट कर दीजिए ना। ये लो। अरे अगर मालिक खुद देखभाल ना करे तो बड़े से बड़ा बिजनेस चौपट हो जाता है। प्लीज अंकल। तब तो इसका एक ही इलाज है। क्या? तुम्हारी शादी किसी ऐसे लड़के से कर दी जाए जो तुम्हारा कारोबार संभाल सके। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, है ना? लेकिन ऐसा लड़का मिलना भी तो चाहिए। और अरे सरस्वती, लॉन्ग टाइम नो सी। आजकल क्लब भी नहीं आते। आई नो गो क्लब बिकॉज ऑफ यू। क्यों? क्योंकि मैं क्लब जाता हूँ लड़कियों से मिलने के लिए, और जहाँ लड़कियां होती वहां तुम आ जाते हो, और जब तुम आ जाते हो तो मेरा पत्ता कट हो जाता है। अब यहाँ पर भी आ गए हो। अच्छा ये बताओ, अनु है या नहीं? हाँ है। अच्छा। लेकिन सुनो, हाँ। इस वक्त तुम वहां नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि कोई और साहब वहां गए। कौन? जमुना प्रसाद जी। जमुना प्रसाद जी मेरा बाप यार। डैडी, डैडी आप इनसे मिलिए। ये है मेरा जिगरी दोस्त अजीत। डैडी बड़ा गजब का फोटोग्राफर है, खूबसूरत लड़की को डबल खूबसूरत बना देता है, लेकिन आज तक इसने मेरी एक भी फोटो नहीं ली, लड़कियों में फंसा हुआ रहता है। डैडी यू प्लीज रिक्वेस्ट हिम। ठीक है ठीक है, चलो। वाह, क्या रिक्वेस्ट किए, एक इधर गया एक उधर गया, मैं बीच में लटक गया। डैडी। हाय अजीत। हाय अनु। क्या बात है, आज सुबह ही सुबह? तुम्हारी अमानत वापस करने आया हूं। अमानत? याद है कितने रुपए थे उसमें? पूरे 10,000। गिन लो। डोंट बी सिली, एक तुम ही तो हो जिस पर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकती हूँ। अगर ये पर्स किसी और के हाथ लग जाता तो क्या वो मुझे लौटाता? अनु, तुम बिल्कुल एक नन्ही मुन्नी बच्ची की तरह भोली हो। एक तो खूबसूरत, ऊपर से दौलतमंद, न जाने कितने लोग तुम्हें फंसाने की कोशिश करेंगे। तुम मुझे उनसे बचा लेना। तुम्हारे साथ रहता हूँ तो जानते हो लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मेरी नजर तुम्हारी दौलत पर है। बकने दो उन्हें, मैं जानती हूँ कि तुम क्या हो। अरे इस पैकेट में क्या है? तुम्हारी तस्वीर है। अच्छा देखो तो, लवली, ब्यूटीफुल। आज तक मेरे इतने अच्छे फोटोग्राफ्स किसी ने नहीं लिए। थैंक्स। अच्छा ये बताओ, इन तस्वीरों में तुम्हें सबसे अच्छी तस्वीर कौन सी लगी? ये तो ये मैं लिए जाता हूँ। चल तुम्हारी याद आएगी, इसे देख लिया करूंगा। क्या मतलब? ऑफिस के काम से 15 दिन के लिए बाहर जाना है। 15 days? बहुत जरूरी काम है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ज्यादा मत पीना। बाय बाय। बाय बाय। अरे बाबूजी, आपने यहां तक आने की तकलीफ किस लिए की? मुझे टेलीफोन करवा दिया होता मैं आ जाता। कल तुम जरा जल्दी में थे इसलिए तुमसे कहा नहीं। मैं पूना जा रहा हूँ, हरी के बेटे का मुंडन है। हरी मामा के बेटे का मुंडन? और मुझे नहीं बुलाया? बुलाया तो सबको है, मैं भी चाहता था सब लोग चले, लेकिन गीता की तबीयत जरा खराब हो गई है। मेरा ख्याल है उसका पैर जरा भारी हो रहा है। अच्छा बाबू जी, मैं भी कई दिनों से ऐसे ही महसूस कर रहा हूँ। हाँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अकेले चला जाऊँ वरना उसे बुरा लगेगा। तो मैं काम करना बेटा, पर जल्दी घर चले जाना जी। गीता का ख्याल रखना जी। बाबू जी आप कब तक वापस आ जाएंगे? आज 15, 16, 17, 18, 20, 21 तक वापस आ जाऊंगा। 20, 21 कोई काम है? नहीं ऐसा तो कोई काम नहीं, दरअसल मैं दिल्ली जाने वाला था।
खैर कोई बात नहीं, जब आप वापस आएंगे तब चला जाऊंगा। हाँ बेटा ऐसे ही करना, आप बेट करिए बाबू। अच्छा दिया। बोलो दिया। डेले की सीट कैंसिल। समझो हो गई। सेठ जी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बहुत अच्छा किया कि तुम दिल्ली नहीं गए। दिल्ली तो जाना ही पड़ेगा अनु, नौकरी का जो मामला है। छोड़ दो ये नौकरी, तुम्हें कितनी तनख्वाह मिलती है? ये कोई 2000 रुपए। मैं तुम्हें 5000 दूंगी, बोलो मंजूर? नहीं अनु, नौकरी करके मैं तुम्हारी दोस्ती नहीं खोना चाहता। तुम अपना बिजनेस शुरू करो, तुम्हें जितने भी रुपयों की जरूरत होगी मैं तुम्हें दूंगी, 1-2 लाख, चाहो तो इससे भी ज्यादा। नहीं अनु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो इज्जत तुमने मुझे दी है मेरे लिए बहुत है। बस एक वादा करो। बोलो। तुम मुझे कभी अपने से जुदा नहीं करोगी? फिर तुम भी एक वादा करो। क्या? कि दिल्ली से बहुत जल्द लौटाओगे। आ जाऊंगा। तुम नहीं जानते अजीत, तुम नहीं होते हो तो ऐसा लगता है जैसे किसी चीज की कमी है। लो पियो। वाह वाह वाह, लैला मन्नू का ड्रामा हो रही है। कौन है आप लोग? आप नहीं, तेरा बाप। माल निकाल। माल? हाँ। कैसा माल? खिसा ढीला कर ना तो तेरे को ढीला कर दूंगा। माल लेने के लिए आए थे गुंडे कहीं के। चलो। बहुत पिटाई हुई साहब, माल जरा जा रहा था। बहुत पिटाई हुई है। हाँ साहब। ये लो। बारिश नहीं हुई, पानी नहीं है, देश के सारे नौजवान लड़के परेशान हैं कि लड़कियां स्विमिंग कैसे करेंगी, क्या स्विमिंग पूल बंद हो जाएगा डार्लिंग? कौन है? कौन है? अरे विक्रम, कमाल करता है यार, तू अजीब आदमी है। मैंने डैडी से तेरी नौकरी की बात की, इतना मस्का लगाया और तेरा ही पता नहीं कहां था इतने दिन। बैठ। मैं तो कई बार आया लेकिन तू मिला नहीं। रूपा बीमार थी, उसका ऑपरेशन करना था। अब कैसी है? अब ठीक है, कल ही उसे हॉस्पिटल से घर ले आया। सरस्वती, उसे नौकरी की सख्त जरूरत है। विक्रम तू इतना परेशान मत हो यार, डैडी घर में है, मैं आज ही तेरी मुलाकात करवा देता हूँ। अरे भाई सरस्वती, ये मेरे बाप की आवाज है। यस डैड। आज का टाइम तुम्हारे पास है? ये डैड, बारिश नहीं हुई, स्विमिंग पूल बंद। ये तो पुरानी खबर है, ये बासी अखबार है कल का है। तो फिर आज का काम है? आज का डैडी, ये है मेरा दोस्त मिस्टर विक्रम, इसी की नौकरी के लिए मैंने आपसे कहा था। कहां तक पढ़े बेटा? बी कॉम है। एम कॉम क्यों नहीं किया? जी कर नहीं सका, पैसों की तंगी। अकाउंटेंसी का कुछ एक्सपीरियंस है? जी खास नहीं, लेकिन आपको मेरे काम से कोई शिकायत नहीं है। डैड मैं गारंटी देता हूं। यार तुम चुप रहोगे कि नहीं? ब्लैक एडजस्ट कर सकते हो? जी ब्लैक, ब्लैक नहीं समझते? हर बिजनेस में काला बाजार होता है, काला रुपया होता है, हिसाब किताब में हेरा फेरी करनी पड़ती है। माफ कीजिएगा, ये हेरा फेरी मुझसे नहीं होगी। तुम्हें नौकरी चाहिए ना? जी आया तो इसीलिए था, इज्जत और ईमानदारी से मैं कोई भी काम कर सकता हूँ, बेईमानी से नहीं। बेकार रह के परेशानियां उठानी पड़े तब भी? जी हाँ, माफ करना सरस्वती, मैंने तुम्हें डरा रहा हूं। मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था, नौकरी पाने के लिए झूठ बोल सकते थे लेकिन तुम सच बोले, इस बात से मुझे बहुत खुशी हुई। डैड आफ्टर ऑल ये दोस्त किसका है? बट डैड यू आर अ डैम गुड एक्टर, क्या वंडरफुल एक्टिंग की आपने। यू प्लीज शट अप। तुम लोग बैठो, मैं आता हूं। विक्रम विक्रम विक्रम, यार तू कितना जालिम आदमी है, पहली झटके में तूने मेरे बाप के दिल पर अपनी ईमानदारी का सिक्का जमा दिया। दोस्त किसका हूं? अब तू समझ ले तेरी नौकरी पक्की। चाय पिएगा? हां पीऊंगा। बाय बाय।
आया साहब। दो चाय लाओ मोटी मलाई मार के। बहुत अच्छा साहब। और सुनो मेरे बाथरूम में लाना। बाथरूम? हाँ मेरे रूम में बाथरूम है यार। शंकर अच्छा हो तू आ गया, बैठ। ये फल ले जा रूपा के लिए। पहले थोड़ी सी मिठाई खरीद ले। क्यों? मेरा मुंह मीठा करने के लिए। अरे पर किस खुशी में भाई, कल मुझे नौकरी मिल जाएगी। सच? हाँ। जरा बच्चों इधर आओ, ये फूके लूट लो। शाबाश 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 शाबाश। शंकर ये क्या पागलपन है? जल्दी में खुशी जाहिर करने की यही एक तरकीब सूझी। हम जैसों की जिंदगी में खुशी के मौके बड़ी मुश्किल से आते हैं विक्रम। जब भी मौका मिले जी भर के खुशी मना लो। चलो घर चले, रूपा सुनकर खुश हो जाएगी। चलो शंकर। भाई साहब जरा यहीं संभल लें। कुछ नहीं कुछ नहीं। आप अंधी हैं क्या, देखकर गाड़ी नहीं चला जाती? तुम लोग रास्ता देख के क्रॉस किया करो। अगर मेरी गाड़ी को कुछ हो जाता तो ये लो दे दो उसे। इन रुपयों को तुम इंसान की जिंदगी से खेलने का लाइसेंस समझती हो? मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगा और अभी तुम्हारा सारा नशा उतर जाएगा। चलो छोड़ दे इसे, जाने दे। शंकर। अनु अनु मैं तो ये बर्बादी देखने से पहले ही मर जाता तो अच्छा था। प्लीज इन्हें गाड़ी में बिठा दीजिए प्लीज। क्या बात है बेबी? कुछ नहीं, कोई भी आएगा तो कहते ना मैं घर पे नहीं हूं। भगवान तुम्हें कामयाबी दे। शंकर तुम्हारे धंधे में मत जाना, डॉक्टर ने तुम्हें हफ्ते भर के लिए आराम करने के लिए कहा। अरे डॉक्टर की ऐसी की तैसी, न जाने कैसी सुई लगा दी, अब तक सोया आराम है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रूपा की बात सुनती हो? तुम फिक्र मत करो भैया, मैं इन्हें बाहर जाने नहीं दूंगी। शंकर भैया चुपचाप अपने बिस्तर पे जाके लेट जाओ, मुझ पे हुक्म चलाती है, जानते हैं ना तुझे बहन कहता हूँ। चलो चलो। उन्हें बिठा, मैं आती हूँ। मिस्टर विक्रम बहुत ही बेगैरत हो, कल मेरी इंसल्ट की और आज मुझसे नौकरी मांगे आए। मुझे अगर पता होता कि जमुना प्रसाद जी मुझे तुम्हारे पास भेजेंगे तो मैं यहाँ। तो ये है कि तुम अंकल का लेटर लेके मेरे पास आए हो और मुझे उनकी बात रखनी पड़ेगी, वरना मैं तुम्हें। तुम समझती हो मैं तुम्हारी नौकरी करूंगा? एक पैसे वाली बददिमाग लड़की जिसके मुंह से अब भी शराब की बू आ रही है। मैं तुम जैसे 1000 आदमी खरीद सकती हूँ। ये पैसा बोल रहा है और पैसे का नशा शराब से भी बुरा होता है। अगर तुम होश में हो तो एक बात कान खोल कर सुन लो, एक चीज ऐसी होती है जिसे तुम्हारी तो क्या सारी दुनिया की दौलत भी नहीं खरीद सकती, और वो है इंसान की खुददारी। कोई भी शरीफ खुददार इंसान तुम जैसी औरत की नौकरी करने के बजाय भूखों मरना पसंद करेगा। मैं उसकी नौकरी उसके मुंह पर मारकर चलाया। तुमने बहुत बुरा किया, तुम नहीं जानते वो बेचारी मासूम कितनी बदनसीब है। तुम्हें उससे इतनी हमदर्दी क्यों है? तुम्हारा उससे क्या संबंध है? मानो तो बहुत कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं। अन्नू की माता जी मेरी मौसी थी। मेरे माँ बाप बचपन में ही हैजे का शिकार हो गए थे, मौसी मुझे अपने साथ यहां ले आई। वो एक सीधी सादी हिंदुस्तानी औरत थी और मौसा जी बिल्कुल अंग्रेज। वो अन्नू को बचपन में ही पार्टियों और क्लबों में ले जाया करते थे और ये बात मौसी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। आज से अन्नू आपके साथ पार्टियों में नहीं जाएगी। क्यों? अभी छोटी सी बच्ची नहीं है, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी क्लबों पार्टियों में जाकर
मर्दों के साथ नाचना सीखे, शराब पीना सीखे और अब जवान होकर सोसाइटी गर्ल कहलाए। बको मत, तुम जैसे जाहिल और गंवार को क्या पता कि आज की सोसाइटी क्या चाहती। तुम जाकर अपने रामायण का पाठ करो, अनु और मेरे मामले में बोलने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। मैं इसकी माँ हूँ। यही तो मेरी बदकिस्मती है कि तुम मेरी बीवी हो, सिर्फ नाम की। न मैं तुम्हें चाहता हूँ, न मुझे तुम्हारी जरूरत है। इससे तो अच्छा तुम मुझे मौत आ जाती और मुझे तुमसे छुटकारा मिल जाता। हट जा मेरे रास्ते से। मौसी का दिल टूट गया, वो इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी। मरने से पहले इतना ही कहा, अनु तुम्हारी छोटी बहन है, इसका ख्याल रखना बेटा। मौसी की आंखें बंद होते ही मौसा जी एक जवान खूबसूरत औरत को ले आए अनु की देखभाल के लिए। अब से हमेशा तुम मेरी नजरों के सामने रहो। रहने दो, घर में लाएगी तो अपनी बच्ची की गवर्नेंस बनाकर। इसके बदले में तुम्हें फ्लैट दिया, गाड़ी दी, और क्या चाहती है? तुम्हारी बीवी बनना चाहती हूँ। दूसरी शादी करने का मेरा कोई इरादा नहीं। शादी से इनकार सुनते ही अनीता जल गई। वो हर रोज अनु को शराब पिलाती और जब मैंने देखा तो मेरा खून खौल उठा। बस इतना पी लो, फिर हम खाना खाके सो जाएंगे। अनु चौया, कमीनी औरत, तू अपनी अय्याशी के लिए मेरी बहन की जिंदगी के साथ खेलना चाहती है? मैं तुझे तुमने कमीनी औरत के लिए मेरी मौसी को तड़पा तड़पा कर मार डाला और अब जो है इस डर से कि कहीं मैं उन्हें बदनाम ना कर दूं, मौसा जी ने चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर मुझे पुलिस के हवाले कर दिया। मुझे सजा हो गई, जेल की चार दीवारी में बंद होकर भी मौसी के आखिरी अल्फाज मुझे याद आते रहे, अनु तुम्हारी छोटी बहन है, उसका ख्याल रखना बेटा। अनु की मोहब्बत ने मुझे जेल की दीवार फांद कर भागने पर मजबूर कर दिया। मेरा पैर टूट गया, सजा और बढ़ गई। जेल से छूटने के बाद मैं अनु से मिलने गया तो मालूम पड़ा मौसा जी गुजर चुके हैं और अनु शराब में डूब चुकी है। ए, किधर जाता है? ये मुझे अनु से मिलना है। अनु अनु, कौन है ये बदतमीज? इसको अंदर किसने आने दिया? अनु, तूने मुझे पहचाना नहीं? मैं शंकर हूँ, शंकर तेरा भाई। अल्लाह भाई, जरा अनु के भाई का हुलिया तो देखो। अनु ये तुम्हारा भाई है? मेरा कोई भाई भाई नहीं, कोई नहीं। मुझे तो ये कोई पागल दिखाई देता है। पागल नहीं, इसने बहुत ज्यादा पी ली है। और पी लो। अनु सारा मूड खराब कर दिया, निकल यहाँ से, नहीं तो धक्के मार के बाहर निकालूंगी। उस दिन के बाद मैंने अनु को मिलने की कोशिश नहीं की, उसे हमेशा हमेशा के लिए भूल जाना चाहा, लेकिन भूल नहीं सका। यकीन मानो विक्रम, आज भी अगर मैं अपनी जान देकर अनु के उतार सकूं तो हंसते हंसते अपनी जान दे दूं। शंकर भैया, अनु तू यहाँ कैसे आई? तुम्हें देखने आई थी, तुमने जो कुछ कहा उसे सुनकर अपनी बदनसीबी पर रोना आ गया। मुझे आज तक किसी से अपनापन नहीं मिला, मैं अपने अकेलेपन को शराब में डुबोती रही, भटकती रही, भटकती रही। मैंने तुम जैसे भाई के प्यार को भी ठुकरा दिया। रोने अनु, रोने, तेरे आंसू पोंछने के लिए अभी मैं जिंदा हूँ। तुम अभी मेरे साथ चलो। नहीं, तू जब अपने आप को सुधार लेगी मैं खुद ही चलाऊंगी।
अपने आप को सुधार लेगी। तुम समझती हो मैं तुम्हारी नौकरी करूंगा? एक पैसे वाली बदमाश लड़की जिसके मुंह से अब भी शराब की बू आ रही है। सरस्वती, ओ तुम्हारे दोस्त क्या नाम है उसका? विक्रम। हाँ विक्रम, जो अजीब आदमी है। What's happened, boy? मेरा रिकमेंडेशन लेटर लेकर के अन्नू के पास गया, उसके बाद शक्ल नहीं दिखाई। उसे कह देना मुझसे आके मिले, मैं अभी जाके उसे बुला लाता हूँ। अरे प्लेट के साथ कहाँ जा रहा है, पहले खाना तो खा ले। बेटा अभी जाने की क्या जरूरत है, सुबह चले जाना। मैं कहती हूँ आप जिंदगी भर लोगों के बारे में सोचते रहेंगे या इसकी भी कुछ फिक्र करेंगे? इसके बारे में सोचने की क्या जरूरत है, इसके बारे में तो सोचना मैंने उसी वक्त छोड़ दिया जब ये 3 साल के लिए अमेरिका पढ़ने के लिए गया और 3 साल वहां से फेल होके आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जिंदगी भर निखट्टू रहेंगे, कोई काम धंधा नहीं करेंगे। इसे काम करने की क्या जरूरत है, ये हमारा इकलौता प्यारा बेटा है, जो कुछ हमने कमाया है उससे खाए पिएगा, ऐश करेगा। नो डैडी नो, यू आर रॉन्ग डैडी, मुझे आपका एक पैसा नहीं चाहिए डैडी। डैडी मैं कोई ऐसा काम करूंगा जिससे एक दिन आप खुद बोलेंगे कि बेटा हो तो ऐसा। मम्मी मैं बाप कमाई वाला बेटा नहीं, आप कमाई वाला बेटा हूं, लेकिन उसके लिए डैडी आप मुझे सिर्फ 5,000 दे दीजिए। 5,000? आप 1,000 मम्मी। मैं तुम्हें एक पैसा देने वाली नहीं। ये क्या मम्मी, डैडी का दिल तो दरिया है, आपका तो समंदर होना चाहिए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, जाने दो, तुम्हें 5,000 चाहिए ना, मेरी चेकबुक ले आओ। ये लीजिए डैडी। चेकबुक भी तैयार है? हाँ मम्मी, पेन के साथ तैयार है। पेन के साथ? तुम इसे बिगाड़ कर ही रखोगे। डैडी मेक इट 6,000, 1,000 रुपए मम्मी का। घर में तो कोई भी नहीं। छोड़ दो यार, मैं विक्रम का दोस्त हूँ। पकड़ा गया तो विक्रम का दोस्त है। चल पुलिस बाबू। रूपा मुझे बचाओ, रूपा ये लोग मुझे चोर समझ रहे हैं। रूपा तुम इन्हें जानती हो? जी हाँ, ये विक्रम भैया के दोस्त है, मैंने तो सिर्फ इनकी पीठ देखी थी। अरे तुमने मेरी पीठ देखी थी इसलिए मेरी पिटाई हो गई, मेरा थोबड़ा क्यों नहीं देखा था? भैया माफ करना, गलती हो गई। नहीं मैं तुम लोगों को माफ नहीं करूंगा, तुम सब लोगों ने मिलकर इस मासूम की पिटाई की है, मेरे बटन तोड़ा, मैं तुम सबके बटन तोड़वा दूंगा, कोर्ट ले जाऊंगा, केस करूंगा। मैं सबकी तरफ से हाथ जोड़ती हूँ, जो कुछ हुआ भूल जाइए। भूल गया, अरे ना माफ भी कर दिया, जाओ। अरे जाओ, आप बैठिए ना भैया, अभी आती होंगे, मैं आपके लिए चाय रख दूं। जी नहीं, जो मेरी खातिर हुई वही काफी है, चाय की कोई जरूरत नहीं। अपने भैया से कह देना कि मेरे बाप ने उनको याद किया है। आई बहुत दर्द हो रहा है, मालिश कर दूं? नहीं, कोई डेक्स मेरे काम नहीं आएगा, ये तुम्हारे पड़ोसी थे, ये धोबी कपड़े के जैसा धो दिया मुझे, इनसे कहना कि जाके पुलिस में भर्ती हो जाए। आई आई आई, या इधर रहो या उधर रहो। आई अनु मेरी बेटी की तरह है, उसके पिता के गुजर जाने के बाद मुझे अपना बिजनेस दिल्ली से यहां शिफ्ट करना पड़ा। एक तरफ मेरा अपना बिजनेस, दूसरी तरफ अनु का कारोबार, मेरे लिए अब हर तरफ दौड़ना मुश्किल हो गया है। डैडी के साथ जब मैं दौड़ता हूं तो इनको ऑब्जेक्शन होता है, अब तू दौड़। बात दरअसल है कि कोई बात दरअसल नहीं, मैं सब जानता हूं। डैडी बात इतनी सी है, जब ये पहली बार अनु से मिला। हाँ मुझे मालूम है। आपको मालूम है तो मैं चुप रहता हूं। विक्रम अनु जरा मूढ़ी लड़की है मगर दिल की बहुत अच्छी है, उसे किसी बात का बुरा ना मानना। उसने मुझसे कहा कि वो तुमसे बहुत शर्मिंदा है, कल ठीक 10 बजे तुम ऑफिस पहुंच जाओ और अपने काम का चार्ज ले लो। वेल बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू डैडी, थैंक यू विक्रम की तरफ से, एंड थैंक यू विक्रम। डैडी चले गए लेकिन ये थैंक यू उनकी तरफ से। थैंक यू। तुम्हारे बाबूजी पुणे से आ गए? आज वो ठीक नहीं है क्या? वो आ गए हैं या नहीं, मुझे उनसे खास बात करनी है। ऐसी क्या खास बात करनी है, मुझसे कहिए ना। ठीक है, शायद मैं उनसे ना कह पाऊं कि उनकी बेटी आवारा है, बदचलन है, जलील। चुप रहिए। ओह, आपको ऐसी गंदी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? शर्म?
तुम्हें जब दूसरे मर्द के साथ गुलछर्रे उड़ाते हुए शर्म नहीं आई मुझे कहने में क्या शर्म? अजीत तुम्हारा दिमाग खराब है, ये क्या कर रहे हो? मैं जो कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ बाबूजी। पहले मुझे शक था लेकिन अब इसकी बदकारी का सबूत मौजूद है मेरे पास। क्या सबूत है आपके? देखना चाहती हो? कौन है? नहीं झूठ मत बोलो, मैंने खुद ली। मेरा नहीं तो कम से कम इनकी इज्जत का तो ख्याल क्या होता? तुम्हारी इस हरकत के बाद बाबूजी किसी को मुंह दिखाने काबिल रहेंगे? मैं एक शरीफ आदमी हूं इसलिए तुम्हें तलाक देना चाहता हूं। मेरी जगह कोई और होता तो तुम्हारा गला खोल देता। कल तक मेरे वकील का नोटिस तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। वेरी सॉरी बाबू जी, मेरे पास और कोई चारा भी नहीं। काला करने से पहले तुम मर क्यों नहीं गई बेटी? नहीं नहीं बाबू जी, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, मैं कुछ नहीं जानती। मैं आपकी सौगंध क्या सौगंध खाएगी ये शर्म लड़की? क्या बात है भाई, इस लिबास में तो तुम बिल्कुल अफसरा लग रही हो। सोचा था कि शाम को क्लब में मुलाकात हो जाएगी, रहा नहीं गया, एयरपोर्ट से सीधा तुम्हारे पास चला आया। अच्छा किया, वैसे भी क्लब में मुलाकात नहीं होती। क्यों? मैंने क्लब जाना छोड़ दिया। वेरी गुड, ये लो तुम्हारा मनपसंद तोहफा, कीमती शराब। मैंने शराब पीनी भी छोड़ दी है जी। क्या ये कैसे हो सकता है? शायद तुम्हें ताज्जुब हो रहा होगा कि मैं इतनी कैसे बदल गई। ताज्जुब नहीं अनु, बहुत खुशी हो रही है। अगर मुझे मालूम होता मेरी गैर हाजिरी में तुम इतनी अच्छी हो जाओगी तो मैं पहले चला जाता। खैर अब इस खुशी में एक हफ्ते की छुट्टी ले लेता हूँ, बाहर घूमने चलेंगे। सॉरी अजीत, आजकल मैंने रेगुलर ऑफिस जाना शुरू कर दिया है, सिर्फ संडे को फुर्सत मिलती है। कोई बात नहीं, संडे को चलेंगे। बाय बाय। सच बताइए अंकल, मैं यहाँ बैठ के कैसी लगती हूँ? भाई ये तो करीब आके गौर से देखना पड़ेगा। इस कुर्सी पे बैठ के बिल्कुल इस कंपनी के मालकिन लगती हो। मैं कमेन अंकल। ओह विक्रम आओ। मैंने अकाउंट का चार्ट बना दिया है, इसे जरा देख लीजिए। गुड अन्नू, ये लो, ये तुम्हारे लिए एक सिंपल चार्ट बनवा दिया है ताकि आमदनी और खर्च का हिसाब तुम आसानी से समझ सको। अंकल मुझे तो इसका सिर पैर भी नहीं समझ में आएगा। विक्रम तुम्हें सब समझा देगा। मुझे एक जरूरी मीटिंग अटेंड करनी है, मैं 2 घंटे तक आता हूँ। आप खड़े क्यों हैं? बैठे ना। क्या हुआ? अगर मेरी जरूरत नहीं तो मैं जाकर अपना काम करूं? तो फिर इस जंतर मंतर को कौन समझाएगा? आप इसे एक बार पढ़ लीजिए, जो कुछ समझ में ना आएगा मुझसे पूछ लीजिएगा। 100 बार पढ़ने के बाद भी मेरे समझ में कुछ नहीं आएगा? अरे हमारी कंपनी की इतनी बहुत सी ब्रांचेस हैं, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, लखनऊ, जयपुर। आपको ये भी नहीं मालूम? कुछ क्यों नहीं मालूम है, मुझे सब कुछ मालूम है। तो फिर मेरे लिए क्या हुक्म है? आप जा सकते हैं जी। आप जा सकते हैं। अंकल ने किस मुसीबत में फंसा दिया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप यहाँ कैसे? ये मेरी कंपनी है, मैं किसी भी ऑफिस में जाके चेक कर सकती हूँ कि काम ठीक तरह से हो रहा है या नहीं। और दूसरी बात ये है कि मैं अपने ऑफिस में काम करने वाले हर आदमी से पूछती हूँ कि उसे किसी बात की तकलीफ तो नहीं है। मैं उनके घर और बाल बच्चों के बारे में भी जानकारी हासिल करना चाहती हूँ। तुम्हारे बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। घर में मेरी छोटी बहन है और मेरे बाल बच्चे नहीं है क्योंकि मैंने शादी नहीं की। और कुछ पूछना चाहती हैं? नहीं, इतना ही काफी है। थैंक यू। हाय अजीत। हेलो। कब आए? अभी थोड़ी देर पहले। सॉरी तुम्हें मेरा वेट करना पड़ा। कोई बात नहीं, तुमने कहा था कि संडे को फुर्सत मिलती है इसलिए संडे का पूरा प्रोग्राम बना कराया। 6:30 का शो हीरोस में, इसके बाद डिनर किसी शानदार होटल में। एग्रीड? एग्रीड। बैठो ना। बस 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 ऐसे ही बैठे रहो जरा,
तुम्हारे इस हसीन रूप में एक तस्वीर ले लूंगा। हाँ स्माइल वन मोर अनु, ये लट जरा से इस तरह, वाह वाह क्या हसीन लग रही हो, बस 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 स्माइल गुड। अनु अंकल नमस्ते। ये अजीत है मेरा बहुत अच्छा दोस्त। हाँ मैं इनसे मिल चुका हूँ। कहाँ? तुम्हारे घर पे। ये लखनऊ की ब्रांच के अकाउंट्स आए हैं और मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। तो ठीक है अनु मैं चलता हूँ, तुम तैयार रहना मैं तुम्हें पिकअप कर लूँगा। मैं तैयार रहूंगी। ओके बाय। नमस्ते। नमस्ते। किस सोच में पड़ गए अंकल? नहीं कुछ नहीं। सुनिए। कहिए। घर जा रहे हैं? हाँ? बैठिए मैं छोड़ देती हूँ। थैंक यू। मुझे पैदल चलने की आदत है और मेरा घर भी नजदीक है। आ गए? तुम्हें मेरा मैसेज कब मिला? घर पहुंचने पर। और तुम फौरन आ गए? कुछ आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कुछ प्राइवेट काम है। ये क्या? तुम्हें ये बताने के लिए कि मैंने इस वक्त शराब नहीं पी है। आपकी प्राइवेट लाइफ से मुझे कोई मतलब नहीं है, बताइए मुझे क्यों बुलाया? मैंने कुछ खास मेहमानों को खाने पे बुलाया है, तुम्हारी मदद चाहिए। माफ कीजिएगा मैं आपके ऑफिस में काम करता हूँ, आपके घर का नौकर या खानसामा नहीं हूँ। तुमने कभी किसी से सीधे मुंह तमीज से बात करनी सीखी है या नहीं? अनु फिर बदतमीजी, या तुम इस अनु कहो या अनु जी। मैं अब मेरे मेहमान आ गए। और सबसे पहले मैं तुम दोनों से मिस्टर विक्रम की शिकायत करना चाहती हूँ, ये तो बहुत ही बदतमीज है। कौन? विक्रम? हाँ मैंने तुम लोगों को खाना खाने के लिए बुलाया था। हाँ? इनसे जरा सी मदद मांगी तो जानते हो क्या कहा? क्या कहा? मैं तुम्हारे घर का नौकर या खानसामा नहीं हूँ। आपने मुझसे ये नहीं कहा था कि शंकर और रूपा भी यहाँ आ रहे हैं? देखा देखा ये कोई बात करने का तरीका है? बिल्कुल नहीं। रूपा सच बताओ क्या तुम्हारे भैया भी तुम्हारे साथ इसी तरह ऊंची सुर में बात करते हैं? नहीं तो। विक्रम तुम्हें क्या हो गया है? अनु तुम्हारी मालकिन है और मेरी बहन है, तुम्हें उसके साथ तमीज से बात करना चाहिए। अच्छा भाई आज से कान पकड़ता हूँ कि ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूंगा। मैम साहब फरमाइए आपके मेहमान। सिर्फ ऑफिस में शंकर भैया और रूपा की तरह तुम भी मुझे अनु कह सकते हो। चलो खाना खाए। जगह पे सही बताओ इस घर की तिजोरी कहाँ है? तिजोरी उस कमरे में है। उसकी चाबी कहाँ है? चाबी मेरे पास। बताओ। बताती हूँ ये चाबी मुझे दे दो। तुझे दे दूँ? यस मम्मी। संपर्क कहीं का मुझे मनाता है? मम्मी मान गया आपकी कंजूसी को, पिस्तौल देखकर भी नहीं डरी, वैसे नकली है। अपन मत तो असली है। यस मम्मी। सरस्वती ये क्या बेहूदगी है? ओ डैड मैं अपने फेस बदलने का टेस्ट ले रहा था, मम्मी ने पहचान लिया मेरा आइटम फ्लॉप हो गया। मैं पूछ रहा हूँ ये क्या हुलिया बना रखा है, किसी नाटक कंपनी में काम करने लगा क्या? छी छी डैड आपका बेटा एक प्राइवेट डिटेक्टिव बन गया। आई मीन डिटेक्टिव। तुम्हारा मतलब है जासूस? हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जासूस। एक मिनट। ये देखिए ये है मेरा डिप्लोमा, बस केस मिलने की देरी, फिर आप अपने बेटे का कमाल देखिए, आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा। आसमान से तारे तोड़ लेगा? यस डैड। अच्छा फिर मैं तुम्हें एक केस देता हूँ। आप वेट अ मिनट प्लीज, बहुत बिजी हो जाऊंगा। माय डायरी एक्सक्यूज मी ये पेन प्लीज। अब बताइए कौन मर गया? नहीं नहीं मरा कोई नहीं है। अच्छा कोई सिर्फ ये मालूम करना है कि अजीत क्या करता है, अजीत इसका क्या बिजनेस है, क्या बिजनेस है और अनु के साथ उसके कितने गहरे ताल्लुकात हैं। अनु ओह इट्स अ वेरी डिफिकल्ट केस डैड, बट डोंट वरी
अब इस केस को मैंने अपने हाथ में ले लिया है। आपको अजीत की डेली रिपोर्ट्स मिलती रहेंगी। लेकिन डैड, एक मिनट, ये रहा आपका चेकबुक, एक 1000 रुपए एडवांस दे दीजिए। नहीं नहीं अभी नहीं, पहले ये सब पता लगा के आओ, उसके बाद बिल भेजो, तब पेमेंट। ठीक है डैड। डैड एक 5 रुपए। मैं कहती हूँ वो तो गधा है, लेकिन उसके साथ आप भी। मैं गधे का बाप। ओहो, आप दोनों मिलकर मुझे पागल कर देंगे। यशपाल डियर, आज मैं तुम्हें ऐसे खुशखबरी सुनाऊंगा कि तुम सुनते ही फड़क उठोगे। तो सुना डाल। गीता ने खुदकुशी कर ली। क्या? गीता ने खुदकुशी कर ली? मुझे कैसे मालूम? ये देख, बाबूजी का लेकर आया। मुबारक हो डियर, रास्ते का कांटा निकल गया। हमारा प्लान कामयाब हो गया तो मैं जानता ही था, लेकिन इतनी जल्दी कामयाब हो जाएगा इसकी उम्मीद नहीं थी। अब फौरन अन्नू से शादी कर डालो, कहीं ऐसा ना हो अन्नू को तुम्हारे बारे में कुछ मालूम हो जाए। मालूम होने की अब कौन परवाह करता है मेरी जान। बाबूजी ने मेरी शराफत का सर्टिफिकेट भेज दिया है। अब अनु मेरी और उसकी जायदाद हम सबकी। Cheers! इसी खुशी में एक घूंट मेरे हाथ से ले ली, एक बस। आज अरे भाई, कौन सा रोमांटिक नॉवेल पढ़ रही हो, हैं? जरा हम भी देखें। लो देखो। हाँ? अरे बिजनेस मैनेजमेंट, नो तुम तो वाकई बदल गई हो। आज तो तुम भी बदले हुए नजर आ रहे हो, ये कुर्ता, ये धोती, ये सादगी। भाई हम तो तुम्हारे नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, हमने शराब पीना छोड़ दिया। सच? होटल में जाना भी बंद कर दिया। क्यों? इसलिए कि जो बातें अपने होने वाले जीवन साथी को पसंद नहीं, शादी से पहले छोड़ देना अच्छा। शादी कर रहे हो? कॉन्ग्रेचुलेशन। कौन है वो खुश नसीब, मुझसे कब मिलाओगे? देखो अनु, मजाक मत करो, मुझे यकीन था कि तुम मेरे दिल की बात जानती हो। तुम्हारे सिवा किसी और से शादी करने की बात मैं सोच भी नहीं सकता। अजीत, ये आज तुम्हें क्या हो गया है? आज अचानक दिल की बात जुबान पर आ गई। कई बार कहना चाहा मगर कह नहीं सका, वो सिर्फ इसलिए कि तुम बहुत दौलतमंद हो और मैं। अजीत, शादी की बुनियाद प्यार होता है, दौलत से इसका कोई ताल्लुक नहीं। क्या तुम मुझे नहीं चाहती? चाहती हूँ, लेकिन एक सच्चे दोस्त की हैसियत से। हम इतने करीब आ चुके हैं अनु, हमारी इतने दिनों की जान पहचान, क्लब की मुलाकातें, न जाने कितनी बार मैं आधी आधी रात को तुम्हें घर पहुँचाने आया हूँ, न जाने कितनी बार गाड़ी में तुम मेरे सीने पर सिर रखकर सोई हो। नशे की हालत में, और तुमने कभी किसी तरह का फायदा नहीं उठाया, इसीलिए तो मैं चाहने के अलावा तुम्हारी इज्जत भी करती हूँ। तो फिर शादी करने में क्या इतराज है? चाहने में और शादी करने में बहुत फर्क है जीत। वैसे भी मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। शादी करना नहीं चाहती? तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए बहुत कीमती है। मैं चाहती हूँ जिस तरह आज तक निभाते आए हो, जिंदगी भर इसी तरह दोस्ती निभाते रहोगे। अगर तुम यही चाहती हो ना, तो मैं वादा करता हूँ जिंदगी भर तुम्हारा सच्चा दोस्त रहूंगा, जब चाहो आजमा लेना। अजीत, मैं तुमसे यही सुनना चाहती थी। अबे धोती, तेरी दाल नहीं गलने वाली। पहले जग्गू ने जमीन पे कब्जा कर लिया। जी हजूर। फिर उसने वहां पक्का मकान बनवा लिया। जी हजूर। और तुम सोते रहे। जी हजूर। तुमने उसे रोका क्यों नहीं? रोका था हजूर, रोका था। जग्गू और उसके भाई मंगू दोनों को एक साथ ललकारा। ये जब वहाँ की देखभाल ठीक तरह से नहीं कर सकता है, तो आप किसी दूसरे चौकीदार को क्यों नहीं रखे थे अंकल? मेरी जगह पर दूसरा चौकीदार आया तो मैं सोच रहा की टांगे तोड़ दूंगा। बब्बा साहब, आप कौन होती है मेरा पेट पे लात मारने वाली? जग्गू। जी हजूर। तमीज से बात करो, ये तुम्हारी मालकिन है। मालकिन? माफ करना मालकिन, बड़ी गलती हो गई, माफ करना। मैं अपने कान पकड़ता हूँ, आपके पाँव पकड़ता हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, जाओ। राम राम। राम राम हजूर। आओ बेटे, मेरे ख्याल में महाबलेश्वर की प्रॉपर्टी का कुछ न कुछ जल्द ही इंतजाम करना पड़ेगा, वरना खाम खा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे, फिर उन बदमाशों को वहां से निकालना मुश्किल हो जाएगा। क्या डैड, इतने दिनों बाद अन्नू अपने घर आई है और आप बिजनेस और प्रॉपर्टी की बात करने लगे। कुछ और बात करिए, अगर कोई बात है नहीं तो मेरे बारे में कुछ कहिए। आप खामोश रहने का क्या लेंगे? कुछ नहीं डैड, इट्स फ्री। बैठ जाइए। देखो बेटा, मैं ऐसा करता हूँ, विक्रम को सब समझा के प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स देके कल ही महाबलेश्वर भेज देता हूँ। वो बहुत अच्छा लड़का है, मैं उसके काम से बहुत खुश हूँ।
आफ्टर ऑल दोस्त। अंकल मैंने आज तक महाबलेश्वर की प्रॉपर्टी देखी भी नहीं है, मेरा ख्याल है एक बार देख लो, इसी बहाने वहां हो भी आऊंगी। अनु महाबलेश्वर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। आप किस खुशी में जाएंगे? इसलिए कि इतनी दूर अनु अकेली कैसे जाएगी? क्यों अकेली क्यों जाएगी, विक्रम साथ जाएगा। डैड आफ्टर ऑल विक्रम बाहर का आदमी है, मैं अंदर का आदमी हूं यानी घर का। लीगल कॉम्प्लिकेशंस के बारे में तुम क्या जानते? मुझे जानने की जरूरत भी क्या है, ये तो वकील का काम है। ठीक है अंकल, आप विक्रम से कह दीजिए कल सुबह मेरे साथ चलने के लिए तैयार है, मैं चलती हूं। ओके बाय बाय। चलो डैड ये ठीक है कि विक्रम एक शरीफ आदमी है, मेरा दोस्त है, लेकिन एक मशहूर डिटेक्टिव के हैसियत से अनु के साथ जाना मेरा कंपलसरी हो जाता है। जनाब डिटेक्टिव साहब। जी डैड। मैंने जो केस आपके सुपुर्द किया था उसके बारे में क्या हुआ? हाँ डैड उसकी तहकीकात जारी है, ये देखिए वन मिनट प्लीज, जरा आप खड़े रहेंगे, जरा सा प्लीज होल्ड दिस। डैड अजीत की चार पुश्तों तक उसके खानदान में जितने भी मर्द पैदा हुए हैं, जितनी औरतें पैदा हुई हैं, जितने नौकर पैदा हुए हैं, उन सब के नाम इस लिस्ट में हाजिर है। अब अजीत के बारे में मैं मालूम करने वाला हूँ। सरस्वती जी डैड तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कहती है। क्या डैड? आप गधे हैं। क्या हो गया मेरे कान को, कुछ सुनाई नहीं देता। गुड आफ्टर दोपहर। व्हाट दोपहर? आई मीन से गुड आफ्टरनून। ओह गुड आफ्टरनून। यस व्हाट? यस कोई ऑर्डर देना है आपको? जी हाँ कॉल मिस्टर अजीत हियर। क्या काम? कुछ प्राइवेट काम है। वो कहाँ है? अंदर। हाँ तो आप बाहर रहिए, मैं अंदर जाता हूँ। मिस्टर स्माइल अजीत। क्या बात है सरस्वती? क्या है सरस्वती पानी वानी यार? यार जब भी मैं कोई अच्छी चीज देखता हूँ तो मेरे मुंह में पानी भर आता है। अजीत तेरे साथ मुझे प्राइवेट बात करनी है। एक्सक्यूज मी गर्ल्स। अजीत यार अजीत पहले तू मुझे ये बता क्या मैं तुझे गधा लगता हूं? किसने कहा? मेरे बाप ने यार। तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। जब तू ही नहीं बोल सकता तो फिर मैं क्या बोलूं? अच्छा अब ये बता कि अन्नु के साथ तेरे कितने गहरे ताल्लुकात हैं और तू वाकई उससे मोहब्बत करता है? मैं उससे मोहब्बत करता हूं और जिंदगी भर करता रहूंगा। वो भी करती है और जिंदगी भर करती रहेगी। मगर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? नो नहीं पूछता। मुझे मालूम हो गया तुम क्या करते हो, तुम्हारा बिजनेस क्या है। अब इतनी सी बात और बता दे यार, ये जो लड़कियों के बीच में जो तू इंदर राजा बना रहता है इसका राज क्या है? तेरे आगे लड़कियां पीछे लड़कियां दाएं बाएं लड़कियां और मेरी किस्मत में एक लड़की भी नहीं, आखिर क्यों? देखो सरस्वती तुमने जितनी भी लड़कियां देखी है ना ये सब मॉडर्न गर्ल्स, ये किसी की नहीं होती, इनमें से एक भी लड़की तुम्हारे काबिल नहीं। तुम तो यार किसी ऐसी लड़की की तलाश करो जो सीधी साधी बिल्कुल हिंदुस्तानी है। वो कैसी होती है? वो घर में झाड़ू लगाती है, मसाला पीसती है, रोटी पकाती है, पूजा पाठ करती है। बस कर अजीत बस कर, तूने मेरी आंखें खोल दी, मुझे मेरी मंजिल मिल गई, लेकिन तेरा क्या होगा? क्या मतलब? अभी अभी तूने बोला ना ये मॉडर्न लड़कियां किसी की नहीं होती, जैसे अन्नू तेरी नहीं हुई। देखना तू अन्नू से प्यार करता है और वो किसी और लड़के के साथ में महाबलेश्वर जा रही है। तू हंस रहा है यार? ठीक मेरा क्या है, तेरे हिसाब से तो मुझे ऐसी लड़की मिलनी चाहिए जो झाड़ू मार सके, बर्तन घस सके, मसाला पीस सके, पूजा कर सके। जय हिंद। सरस्वती ने जो कुछ कहा उस पर गौर किया तुमने? वो गधा है, मगर बात पते की कह गया है। और तुम भी तो कह रहे थे कि अन्नु तुमसे प्यार नहीं करती, सिर्फ दोस्ती रखना चाहती। देखो यशपाल, दोस्ती को प्यार में कैसे बदला जाता है ये मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते, इसलिए तुम भी गधे हो। रूपा तुम्हारे झाड़ू करे दम पर राहुल देव बर्मन और कल्याण जी आनंद जी दोनों का संगीत एक साथ कुर्बान। जी रूपा तुम्हें खाना पकाना आता है? जी हाँ सर। सीना पुरूंगा थोड़ा बहुत। पूजा कर लेती हूँ?
जी रोज करती हूँ। उस पर इतनी सीधी हो, बस काम बन गया। बात क्या है? पहले तुम ये बताओ मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है रूपा? आप तो भैया के दोस्त हैं, अच्छे आदमी हैं। गधा हूँ बगैर सिंह का। रूपा मैंने तुम्हें न जाने कहाँ कहाँ ढूंढा, कहाँ कहाँ ढूंढा। मुझे? मैं तो घर पे रहती हूँ। और मेरी आंखों पर पर्दे पड़े हुए थे, आज तुम्हें झाड़ू लगाता हुआ देखकर इन आंखों के पर्दे खुल गए। रूपा आप कैसी बैठी बैठी बातें कर रहे हैं, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? इट्स वेरी सिंपल थिंग, मेरी लाइफ बना दो। जी मेरी वाइफ बनकर मेरी लाइफ बना दो रूपा। अरे ये क्या, तुम शर्मा गई? अब तो मुझे तुम्हारे भाई से बात करनी पड़ेगी। तुम शर्माती हुई यही खड़ी रहो, मैं तुम्हारे भाई से बात करके आता हूँ। अरे 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 जिया बोल रे, जिया बोल रे, सवेरे सवेरे तेरे प्यार में उजाले अंधेरे तेरे प्यार में। जिया बोल रे, सवेरे सवेरे तेरे प्यार में उजाले अंधेरे तेरे प्यार में। दाना चुगती तू पलकों से यूं यूं, आशिक तेरा फिर कैसे ना बोले गुगड़ों को। दिल का दाना चुगती तू पलकों से यूं यूं, आशिक तेरा फिर कैसे ना बोले गुगड़ों को। ये जोड़ी रहे बनी हाय रे, यहाँ आ यहाँ आ कहाँ जाए रे। काका 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 जिया बोल रे, सवेरे सवेरे तेरे प्यार में उजाले अंधेरे तेरे प्यार में। दुबली पतली कितनी है तू जानी, सुख पहुंचा के मोटी ताजी कर दूंगा रानी। आए दुबली पतली कितनी है तू जानी, सुख पहुंचा के मोटी ताजी कर दूंगा रानी। तो अंडा मैं रोज खिलाऊंगा रे, और शरबत बदाम पिलाऊंगा रे। काका 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 जिया बोल रे, काका 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 जिया बोल रे, सवेरे सवेरे तेरे प्यार में उजाले अंधेरे तेरे प्यार में। लेटेस्ट रिपोर्ट यह है कि अनु महाबलेश्वर जा रही है, और किसके साथ जा रही है ये भी उसने अजीत को नहीं बताया। और अजीत को अब भी यह गलत फहमी है कि वो अनु की दोस्ती को प्यार में बदल देगा। इसका मतलब ये हुआ यशपाल, अनु अजीत के हाथ से निकल गई। अनु अजीत के हाथों से जिंदगी भर नहीं निकल सकती। निकल सकती नहीं माय डियर, निकल चुकी है। उसकी जिंदगी में इतनी बड़ी तब्दीली आ जाने की वजह है मोहब्बत किसी ऐसे शख्स की जिसने उसका दिल जीत लिया है। यकीन नहीं आता तो महाबलेश्वर जाओ, खुद अपनी आंखों से देख लो। जाऊंगा, मैं जरूर जाऊंगा। यशपाल, मैंने गीता को खोकर अनु को हासिल किया है। मेरे और अनु के दरमियान जो कोई भी आएगा मैं उसे खत्म कर दूंगा। क्या हुआ? कुछ नहीं। गाड़ी क्यों रुक दी? नीचे उतरो तो बताओ। देखो कितनी खूबसूरत लेक है, मन करता है इसमें छलांग लगाऊं और दूर तक तैर जाऊं। तुम्हें तैरना आता? महाबलेश्वर में इससे ज्यादा खूबसूरत लेक है, आप वहां चलिए नहाइए तैरिए बोटिंग कीजिए, लेकिन पहले महाबलेश्वर चलिए। तुम पहले महाबलेश्वर जा चुके हो? कई बार।
किसके साथ? कभी अकेला कभी दोस्तों के साथ। ऐसी जगह किसी के साथ जाने में ही मजा आता है, खासकर किसी अपने के साथ। अनु जी, ये जीजी क्या है? सिर्फ अनु नहीं कह सकते जी। बात यह है, कुछ आदत सी हो गई है। बहुत बुरी आदत है, जितनी जल्दी हो सके छोड़ दो। कोशिश करूंगा। देर हो रही है, अब यहाँ से चलिए। नहीं, मुझे यहाँ बड़ा सुकून मिल रहा है, मैं अभी यहाँ से नहीं जाऊंगी। तो ठीक है, आप यहीं रहिए, मैं बस से चला जाता हूँ। मुझे अकेली छोड़कर जाओगे? देखिए, आपकी तरह मैं अपनी मर्जी का मालिक नहीं हूँ। मेरा फर्ज है वो काम पूरा करना जिसके लिए जमुना अंकल ने मुझे आपके साथ भेजा है। वो काम मैं खुद भी कर सकती हूँ। जी नहीं, जिन लोगों ने आपकी जमीन पर कब्जा कर रखा है वो बदमाश है, उन लोगों से बातचीत करना आपका काम नहीं, मेरा काम। इसका मतलब ये हुआ कि तुम मेरे साथ मेरे बॉडीगार्ड बनकर आए हो? जो भी समझ लीजिए, वहाँ पहुँचकर आपको मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल नहीं पड़ेगी, मैं किसी से नहीं डरती हूँ। चलो। बापू, मालकिन आ गई। राम राम मालकिन, मेरा लड़का है भोलू। भग्गू, हाँ। बोलो, कहाँ जिन्होंने हमारी जमीन पे कब्जा कर रखा है? यही पास ही में मालकिन, थोड़ी सी दूर पे। आप हारी थकी आई हो, चाय वाय पी लो, बाद में चलेंगे। नहीं, मैं अभी और इसी वक्त उन लोगों की खबर लेना चाहती हूँ। मैं आपके साथ चलूँ? तुम यहीं रहो और गाड़ी में से सामान निकालो, ये लो। मालिक, रास्ते में मालकिन से कुछ खटपट हो गई क्या? तुम अपना काम करो और गाड़ी से सामान निकालो। मालकिन, मालकिन, क्या है? है तो कुछ नहीं, वो लोग गुंडे बदमाश हैं, और आपकी हिफाजत के लिए साथ में किसी मर्द को होना चाहिए। आप चलिए, अगर उन लोगों ने आपसे कोई ऐसी वैसी हरकत की ना, तो मैं उनकी वैसी तैसी कर दूंगा। अच्छा मिस्टर मर्द, चलिए। अरे ये हैं वो गुंडे, इनकी हिम्मत तो देखो, हमारे कंपाउंड के भीतर घुस के ऐसे लग रहे हैं, काट रहे जैसे कि इनके बाप का माल हो। लल्लू, तू इसे छोड़, दूसरे पेड़ पर जा, जब तक मैं इसे काट लेता हूँ। ए, ये लकड़ी काटना बंद करो, और ये बताओ तुम यहाँ किसकी इजाजत से आए हो? जग्गू को किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं, तुम कौन होती हो पूछने वाली? पहले सलाम कर, बाद में बात कर हरामखोर, ये यहाँ की मालकिन है। अबे उल्लू के पट्टे, यहाँ के मालिक को मरे हुए बरसों हो गए हैं, और उसकी बेटी रात दिन शराब पीकर धूत पड़ी रहती है। वरना मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। पुलिस तो बाद में आएगी, लेकिन तू जग्गू के मुंह पर तमाचा मार कर यहाँ से सही सलामत नहीं जा सकती। मेरी जान, जब उसे मुकाबला अभी तुम्हें खत्म किया जाता। हे!
चौकीदार। हाँ साहब। पुलिस को बुलाओ। अच्छा साहब। जेल की चक्की पीसोगे ना तो सारी गुंडागिर्दी निकल जाएगी। मालकिन आज चाय बनाऊं? मालकिन अभी नहीं, उन्हें आ जाने दो। बद्दी खूबी थी उसमें भी, चली गई बेचारी। कौन? आज अपने भोलू की अम्मा, मेरी घर वाली। वैसे तो सवेरे से शाम तक झगड़ा करे थी, लेकिन मेरे बगैर चाय तो क्या, कभी पानी भी नहीं पी। अच्छा तुम जाओ अपना काम करो। अजी अपना काम तो आप दोनों की सेवा करना है मालकिन। सच्ची कहूँ, जैसे जग्गू ने आपको हाथ लगाया कि मालिक शेर की तरी उस पर टूट पड़े। अजी साहब, तीन दिन गुंडों का इकल्ले सामना करना मर्द का काम है, मर्द का। भगवान जोड़ी बनाए रखे आप दोनों की। भग्गू, मैंने तुमसे क्या कहा था? अजय के जाओ अपना काम करो। जग्गू ने आपको हाथ लगाया कि मालिक शेर की तरी उस पर टूट पड़े। भगवान जोड़ी बनाए रखे आप दोनों की। तो इसका एक ही इलाज है। क्या? तुम्हारी शादी किसी ऐसे लड़के से कर दी जाए जो तुम्हारा कारोबार संभाल सके। अनुजी, फिर वही जी? मैंने रिपोर्ट लिखवा दी है, वो बदमाश हवालात में बंद है। उन पर मुकदमा चलेगा, दो चार तारीखें पड़ेंगी, मैं आ जाऊंगा। तुम जग्गू से उलझ पड़े, उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी, अगर तुम्हें लग जाती तो? थोड़ा सा जख्मी हो जाता, आपकी हमदर्दी हासिल होती और नौकरी में तरक्की का चांस मिल जाता। वो तो अभी मिल सकता है, तरक्की देना मेरे हाथ में है। बोलो क्या चाहिए? मांगने वाला क्या जाने, देने वाला क्या देगा? मैंने फैसला कर लिया है कि अब तुम नौकर नहीं मालिक हो, मेरे हर चीज के और मेरे भी। अच्छा? हाँ, इतने दिनों की जान पहचान के बाद मुझे पूरा यकीन है कि अब मैं तुम्हें बुरी नहीं लगती और तुम भी मुझे अच्छे लगते। अच्छा? ये अच्छा अच्छा क्या कर रहे हो? अच्छा। तो मुझे उस दिन बहुत अच्छे लगे जब जमुना अंकल का लेटर लेके तुम मेरे पास आए और मुझे जली कटी सुनाकर चले गए, और आज मेरी खातिर अपनी जान पर। अरे विक्रम, कहाँ चले गए? विक्रम, विक्रम। तू है तो जमाना, बिना तेरे नहीं रहना। हो के खुद को गवाया, तुझे तब पाया, तो दिल कैसे माने कहना। ओ यार तेरे बिना, यार तेरे बिना, यार तेरे बिना। जो तेरे होठों में मेरा भी है वही कहना। ओ यार तेरे बिना, यार तेरे बिना, यार तेरे बिना।
खुद को गवाया, तुझे तब पाया तो दिल कैसे माने कहना। ओ यार तेरे बिना, यार तेरे बिना, यार तेरे बिना। लटों में छुपा सा ये प्यारा सा चेहरा मैं सदके करूं तो क्या करूं मेरे हसी। ये दिल है दीवाना, ये जा भी दीवानी के तेरे काबिल तो नजराना कोई नहीं। तो ये जाना तू है तो जमाना, बिना तेरे नहीं रहना। वो गम जो छुपाया सीने में दबाया, वो गम नहीं अब देना। प्यार तेरे बिना, प्यार तेरे बिना। देख चल मौका अच्छा है, खत्म कर दो। इसे पिस्तौल से मारने की जरूरत नहीं है यशपाल, ये अपने आप मर जाएगा। चलो। अरे भाई सुनती हो? क्या है? अन्नू शादी कर रही है। अच्छा, किससे? बैठो बैठो, मैं परफेक्शन लाता हूँ। मैं जी अंकल, आप आंटी के बारे में पूछ नहीं लेता? ओहो, पहले पढ़ तो लेने दो। अच्छा। आप और आंटी हमेशा मुझसे कहा करते थे कि मैं शादी करके सेटल हो जाऊं। मैंने विक्रम को अपने लिए पसंद किया है। विक्रम बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अब मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। आप मेरे बड़े हैं और आपके सिवा मेरा अपना कोई नहीं है। आपकी अपनी अन्नू इसे संजो की कहना चाहिए। विक्रम बहुत अच्छा लड़का है, मुझे भी अन्नू के लिए ऐसे ही लड़के की तलाश थी। तो फिर देरी किस बात की है? अन्नू का इरादा बदलते देर नहीं लगती। मैं तो कहती हूँ चटमंगनी पट ब्याह कर दो। तुम ठीक कहती हो, मैं आज ही जाके अन्नू की सगाई की तारीख पक्की कर देता हूँ। हाँ अन्नू। हाँ अजीत। अरे भी बड़ी शानदार तैयारियां चल रही हैं, पूरी कोठी गुलो गुलजार बनी हुई है, हैं? सगाई मुबारक। क्यों, आज पार्टी में नहीं आओगे? डेफिनेट आऊंगा अनु, इनविटेशन कार्ड को देखकर जितने खुशी हुई उतने अफसोस भी हुआ। अफसोस किस बात का? सच्चा दोस्त होने की हैसियत से मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि विक्रम तुम्हारे लायक नहीं। अजीत, मैं विक्रम को अच्छी तरह जानती हूँ और उसे दिल से भी चाहती हूँ। चाहने में और शादी करने में बहुत बड़ा फर्क है ना। तुम्हें वार्निंग देना मेरा फर्ज था, आगे तुम्हारी मर्जी। अजीत, लेकिन तुमने ये तो बताया नहीं कि मुझे विक्रम से शादी क्यों नहीं करनी चाहिए। तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? है, फिर भी अगर विक्रम में कोई दोष है तो मुझे उसका सबूत चाहिए। देखो अनु, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन तुम्हें सबूत चाहिए ना। ये देखो, तुम विक्रम को बहुत अच्छी तरह से जानती हो, अब बहुत अच्छी तरह से पहचान भी लो। बहुत अच्छा इंतजाम हुआ है, सगाई के साथ साथ अब शादी की तारीख भी पक्की कर दीजिए। हेलो, अंकल, ये सगाई नहीं होगी, ये सब कुछ बंद करवा दीजिए, मैं विक्रम के सूरत तक देखना नहीं चाहती। क्या अनु, अनु क्या अनु, अनु कुछ तो बोल बेटी, आखिर बात क्या है? अनु, अनु दरवाजा खोलो। कल ये अनु को क्या हो गया? कुछ नहीं मालूम। अनु ने सगाई तोड़कर मुझे जलील किया है अंकल। मैंने तो अनु से नहीं कहा था कि मुझसे शादी करे, उसने खुद चाहा था। मैं जानना चाहता हूं कि सगाई तोड़ने की वजह क्या है। वजह मालूम हो तो बताओ।
रोते रोते अंदर चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। तुम जाकर पूछ लो, शायद तुम्हें बता दे। मैं विक्रम को लेकर अनु के पास गया था मगर वो घर में नहीं है। घर में नहीं है? जी हाँ, आप बता सकते हैं कि वो इस वक्त कहाँ होगी? भूल जा भूल जा भूल जा भूल जा, रो मत मेरी जा, जो हुआ सो हुआ। ए मेरे दिल भूल जा भूल जा भूल जा।
ये क्या हाल बना लिया है अपना? अजीत, चलो घर चलो। नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं घर नहीं जाऊंगी। रो मत अनु, रो मुझे मत। अपने साथ ले चलो अजीत, मुझे अपने साथ। अच्छा अच्छा ले चलूंगा। कोई नहीं छीन सकता अनु, सबसे पहले ये पियो, ब्लैक कॉफी विद लेमन, हैंगओवर उतर जाएगा। ये कौन सी जगह है? मेरा फ्लैट। मैं यहाँ कैसे आई? बेहोशी की हालत में। कल रात मैंने तुमको बहुत समझाया, लेकिन तुमने जिद पकड़ ली कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी। और मैं रात भर यहाँ रही? हाँ, मैंने तुम्हें लाकर यहाँ सुला दिया और मुझे ड्राइंग रूम में जाकर सोना पड़ा। मुझे कुछ याद नहीं, इसका मतलब मैं बिल्कुल होश में नहीं थी। हाँ, वरना तुम्हें याद रहता कि तुमने कल रात मुझसे क्या कहा था। क्या कहा था? यही कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। ऑफ कोर्स, उस वक्त तुम होश में नहीं थी। मैं तो उस वक्त भी होश में नहीं थी जब मैंने विक्रम से शादी करने का फैसला किया था। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं अनु, ये तो जमुना प्रसाद जी की एक चाल थी जो कामयाब नहीं हो सकी। क्या मतलब? दौलत का लालच बहुत बुरा होता है, वो तुम्हारे गार्डियन है ना, और तुम उन्हें अंकल मानती हो। अच्छा ये तो बताओ, विक्रम को नौकरी किसने दी थी? अंकल ने। और जब तुमने उससे शादी करने का फैसला किया तो उन्होंने कोई एतराज नहीं किया? इसका मतलब साफ है ना, विक्रम उनका आदमी है और वो उसके जरिए तुम्हारी सारी जायदाद पर कब्जा करना चाहते हैं। अंकल, यकीन मानो अनु, मैंने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी, मैं आदमी को अच्छी तरह पहचानता हूँ। अब मैं तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन कर सकती हूँ अजीत, क्योंकि तुमने विक्रम के बारे में मेरी आंखें खोलकर मुझे बहुत बड़ी गलती करने से बचा लिया। ये तो मेरा फर्ज था। कल रात से गायब है, अब तक वापस नहीं आई। चाचा जी, आप उसके पिता के समान हैं, आप उसे मनमानी करने से रोकते क्यों नहीं? अनु आ गई। अनु, कहाँ थे तुम रात तक? अपने होने वाले पति के साथ। मैं अजीत से शादी करूं। अजीत से? कल तक तो तुम विक्रम से शादी करने वाली थी, आज अजीत से शादी करने का फैसला कर लिया। मैं तुम्हें ऐसी मनमानी हरगिज नहीं करने दूंगा, इसलिए कि मैं तुम्हारा गार्जियन। अजीत से शादी करने के बाद मुझे किसी गार्जियन की जरूरत नहीं है। मैंने फैसला किया है कि आइंदा मेरे बिजनेस की देखभाल भी अजीत करेगा। अनु, 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 मुझे सिर्फ इतना बता दे कि अचानक विक्रम से तुझे नफरत क्यों हो गई? मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, वो बहुत भला आदमी है, जरूर उसके खिलाफ तेरे किसी ने कान भर दिया। मैं भी उसे देवता समझती थी भैया, मगर ये देखो उसका असली रूप। अब ये तस्वीरें देख के समझ में आया कि अनु ने अचानक सगाई क्यों तोड़ दी। मैं तुम्हें बहुत शरीफ आदमी समझता था। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं अंकल, ना मैं इस लड़की को जानता हूं, ना ही इसके साथ मेरा कोई संबंध है। फिर इस लड़की के साथ तुम्हारी ये तस्वीरें कैसे खिंच गई? ये मैं नहीं जानता अंकल, मुझे सिर्फ इतना याद है, रूपा के ऑपरेशन के लिए मुझे पैसों की जरूरत थी। मैं सरस्वती को तलाश करता हुआ क्लब पहुंचा, वहां एक शख्स से मेरी मुलाकात हुई, वो मुझे अपने घर ले गया, रुपया और काम देने का वादा करके कहीं चला गया। जब वो वापस आया और मैंने दरवाजा खोला, और जब उसने मुझे बाहर निकालकर दरवाजा बंद किया
तो मेरी समझ में कुछ नहीं आया अंकल, क्योंकि मैं रूपा की बीमारी की वजह से बहुत परेशान था। जो कुछ तुमने बताया अगर ये सच है तो ये तस्वीरें, ये मालूम करना डिटेक्टिव का काम है डैडी। विक्रम, तू जो उस आदमी का घर जा रहे हाँ? तो बस अपना काम बन गया, इन तस्वीरों का राज वहीं चलकर मालूम होगा। तू चल मेरे साथ, मैं भी चलता हूँ। हाँ चलो डैडी, 100 रुपए है। ठीक है, यही उठा। अरे ये तो अजीत का फ्लैट है। ये अजीत कौन? अरे एक्सपर्ट फोटोग्राफर जो अन्नू से मोहब्बत भी करता है, समझ गया, उसने तुझे फंसाया। मैं उस कमीने को नहीं, गुस्सा मत कर, थोड़ा जासूस को भी सोचने दे। हम लोगों को यहाँ की तलाशी लेनी होगी। लेकिन दरवाजा तो बंद है। दरवाजा खुल जाएगा। आइडिया। सुन लीजिए बाबूजी, छोकरी गाती भी और नाचती भी है, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। अरे अब तो सुनना ही पड़ेगा। ओ माने नहीं ये जिया की उमंग, माने नहीं ये जिया की उमंग, आज कहीं राजा चलो मेरे संग हो, आज कहीं राजा चलो मेरे संग। परेशान हम तेरे बिन हुए, ओ तेरी तलाश करते हमें कई दिन हुए। हो अब जो मिले हो जइयो कैसे, हम भी नहीं कोई ऐसे वैसे। चलो मेरे संग हो, आज कहीं राजा चलो मेरे संग। चलो मेरे संग। माना बड़ी चालाक है नजरिया तेरी, ओ मुझको भी यार आती है थोड़ी जादूगरी। ओ माना बड़ी चालाक है नजरिया तेरी, ओ मुझको भी यार आती है थोड़ी जादूगरी। तमाशा बिन पैसे का, हो जाओ इस दिल की डिब्बिया में बंद, हो जाओ इस दिल की डिब्बिया में बंद। आज कहीं राजा चलो मेरे संग, आज
आज कहीं राजा चलो मेरे संग। ओ माने नहीं ये जिया की उमंग, माने नहीं ये जिया की उमंग, आज कहीं राजा चलो मेरे संग, चलो मेरे संग, आज कहीं राजा चलो मेरे संग। आपसे कहा था ना कि एक दिन आपको कहना पड़ेगा कि बेटा हो तो ऐसा। डैडी विल यू प्लीज थपथपाओ माय पीठ। पहले ये तो बताओ कि मालूम क्या किया है तुमने। ओ डैडी सबसे पहली बात तो ये है कि वो फ्लैट अजीत का निकला। अजीत का? तो क्या वो रुपए तुम्हें अजीत ने दिए थे? हाँ अंकल, उसके फ्लैट की तलाश में और तो कुछ नहीं मिला, बस ये लेटर मिला है, जरा इसे पढ़ लीजिए। अजीत, मुझे तुम्हारे वकील का नोटिस मिला, अब तुम्हें गीता से तलाक लेने की कोई जरूरत नहीं। तुमसे अलग होने के बाद गीता अपने मामा के पास पूना चली गई थी और एक दिन उसने नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या कर ली? मैं नहीं चाहता था कि गीता के साथ तुम्हारी अनबन का किसी को पता चले, पुलिस केस होता तो बदनामी होती, इसलिए मैंने गीता की खुदकशी को हादसे का केस बनाकर उसकी मौत पर पर्दा डाल दिया है। अब तो वो बदनसीब इस दुनिया से चली गई है, मैंने उसे माफ कर दिया, हो सके तो तुम भी माफ कर देना। श्यामलाल गुप्ता, प्रोफेसर श्यामलाल गुप्ता, श्याम सदन, शास्त्री नगर, गोरेगांव, 60। तो इसका मतलब ये हुआ कि अजीत शादीशुदा है? है नहीं मम्मी। हाँ सुना नहीं आपने, उसकी बीवी गीता की छुट्टी हो गई। कुछ भी कहो डैडी, ये अजीत बड़ा भयंकर कलाकार है, आज तक किसी को पता चलने नहीं दिया कि वो शादीशुदा है, और जिस लड़की से मिलता है ऐसे मिलता है जैसे वो शुद्ध बैचलर। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये फोटो वाली लड़की कौन है? हो सकता है वो यही लड़की हो। नहीं अंकल, कोई शख्स अपनी बीवी को इस तरह जलील नहीं कर सकता। कमीना आदमी कुछ भी कर सकता है विक्रम। शंकर ठीक कहता है, हमें गुप्ता जी से मिलना ही चाहिए, शायद वो हमारी मदद कर सके। क्या यही वो तस्वीर है जिन्हें देखकर मैंने अपनी बेटी गीता पर शक किया था? और अजीत पर आपको कभी शक नहीं हुआ? नॉट एट ऑल। अजीत को मैं अपना दामाद नहीं बेटा समझता था, और उसका बिहेवियर भी मेरे साथ बेटों जैसा था। शादी के बाद भी मुझे किसी बात की तकलीफ न हो गीता को उसने यहीं रहने दिया, कभी कभी यहाँ आकर उसे ले जाया करता था। आपने अपनी बहन की ऑपरेशन का क्या डेट बताई थी? 14 जून। 14 जून? तो ये वही रात थी जब अजीत गीता को होटल में खाना खिलाने के लिए ले गया, और जरूर उसने उसके खाने में कोई नशे की चीज मिला दी होगी। मुझे अच्छी तरह याद है जब गीता अजीत के साथ आई तो वो लड़खड़ा रही। शायद तुम ठीक कहते हो, सुबह जब गीता घर वापस आई तो उसकी तबीयत खराब थी, उसने कहा कि उसका सर चकरा रहा है, जी मतला रहा है, मैं कुछ और समझा, इसलिए अपने साथ पूना नहीं ले गया। लेकिन पूना जाने से पहले मैं अजीत के पास ऑफिस में गया, उससे कहा कि गीता का ख्याल रखे, जल्दी घर लौट आए। जब मैं पूना से वापस आया तो एक दिन आज तक मैं अपनी बेटी को दोषी समझता रहा, आप लोगों ने आकर मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया। गुप्ता जी मुझे भी आज ही मालूम हुआ कि अजीत ने किस चालाकी के साथ मेरी मजबूरी का फायदा उठाया, अनु को अपने जाल में फंसा और आपकी बेटी गीता को खुदकशी करने पे मजबूर किया। तुम्हें कैसे मालूम हुआ गीता ने खुदकशी की? ये बात तो मेरे और अजीत के सिवा किसी को नहीं मालूम। वो हमें आपके उस खत से मालूम हुआ जो आपने अजीत को लिखा था। कहाँ है वो खत? वो मेरे पास। गुप्ता जी जैसे गीता आपके लिए थी वैसे अनु मेरे लिए है। अजीत अनु से नहीं अनु की दौलत से शादी करना चाहता है, अब आप ही अनु को अजीत के चुंगल से बचा सकते हैं। बहुत मुश्किल है जमुना प्रसाद जी, लेकिन ये खत आप मेरे पास रहने दीजिए। जमुना अंकल ने तुम्हें अपनी औलाद की तरह चाहा, बिना किसी लालच के तुम्हारे बिजनेस देखभाल की, आज वो बुरे हो गए, उनकी हर बात तुम्हें बुरी लगती है। विक्रम तुम्हारी नजरों में धोखेबाज है, इसीलिए आज मैं गुप्ता जी को साथ लेकर आया। इनसे सुन लो अजीत की हकीकत, फिर तुम्हें मालूम पड़ेगा कि अजीत क्या है। बेटी मैं तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हारे पास आया, बस यूं समझो कि एक बेटी का बाप एक बेटी से कुछ कहने आया है। तुम नहीं जानती हो कि वो शादीशुदा है, आप यही कहने आए हैं ना? अजीत मुझे सब कुछ बता चुका है,
उसकी पहली बीवी मर चुकी है और अब उसे दूसरी शादी करने का पूरा पूरा हक है। हक तो जरूर है बेटी, लेकिन तुम ये नहीं जानती हो कि अजीत ने मेरी बेटी के साथ क्या सुलूक किया और उसे किन हालात में। मैं सब जानती हूँ। आप अपनी बेटी का दोष छुपाने के लिए कोई भी सफाई पेश कर सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अजीत की जिंदगी बर्बाद करने के जिम्मेदार आपकी बेटी और विक्रम दोनों हैं। अब मैं तुमसे क्या कहूं अनुराधा, अजीत ने झूठा प्यार जताकर तुम्हारे दिलो दिमाग पर कब्जा कर लिया है। उससे शादी करके तुम जिंदगी भर पछताओगी। वो तुमसे नहीं तुम्हारी दौलत से प्यार करता है। क्या सबूत है आपके पास? सबूत? सबूत? बिना सबूत के मैं कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं। अच्छी तरह सोच समझ के मैंने अजीत से शादी करने का फैसला किया है, जिसे अब कोई नहीं बदल सकता। अनुराधा ने ठीक कहा शंकर, सच्चाई को साबित करने के लिए सबूत चाहिए। अजीत बहुत चालाक है भैया, कहीं ऐसा ना हो कि वो हमें भी धोखा दे जाए और हमारी सारी स्कीम फेल हो जाए। तुम्हारी स्कीम तो उसी दिन फेल हो गई थी जिस दिन तुम लोगों ने मुझे अपनी स्कीम में शामिल किया। अजीत, तुम क्या समझते हो मैं तुम्हारी असलियत नहीं जानता? क्या जानते हो तुम? यही कि अनु के डैडी की मरते ही जमुना प्रसाद ने धक्के मार के तुमको उस घर से निकाल दिया था और तुम अनु की जायदाद पर कब्जा। वो तो इत्तेफाक से मैं तुम्हारे हाथ आ गया। तुम दोनों ने यकीन कर लिया कि मैं अनु को फांस लूंगा और तुम लोग मुझे फांस लोगे। कह दो कि सब झूठ है। यशपाल डियर, मैं तुम जैसे बेवकूफों को दर्जनों के हिसाब से खुले बाजार में बेच सकता हूँ। ये मत भूलो अजीत, मैं तुम्हारा हर राज जानती हूँ। सोच लो, अगर मैंने अनु को जाकर सब कुछ बता दिया तब क्या होगा? धक्के देकर फिर निकाल दी जाओगे। यकीन नहीं आता तो जाकर देख लो, कहो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। मैंने तुम्हें इस काबिल बनाया कि तुम अनु जैसी दौलतमंद लड़की से शादी कर सको, मालिक होते फिर नौकर बनाना, और आज तुम मुझसे इस तरह की बातें कर रहे हो। मैं तुम्हें गोली मारूं। इन खिलौनों से खेलना अजीत को तुमसे ज्यादा अच्छा आता है यशपाल। इसे वापस अपनी जेब में रखो। शादी के बाद तुमको तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा और ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। जो लोग मेरी नियत पर शक करते हैं उन्हें मैं दूध की मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक देता। गुड बाय। अजीत, अजीत जी, क्या है? ये लो और मुझे गोली मार दो। मैंने अनीता की बातों में आकर तुम पर शक किया। मैं बेवकूफ हूं, गधा हूं। मुझे माफ कर दो और पहले की तरह हुक्म दो, मैं उसे पूरा करूंगा। वेरी गुड, मिलाओ हाथ, मेरे हुक्म का इंतजार करो। यस। अजीत, 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 मुबारक हो यार। तेरे शादी का इनविटेशन कार्ड देखते ही मैं सर पर पैर रखकर भागता हुआ चला आया एडवांस में मुबारकबाद देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। अब तू मुझे भी मुबारकबाद दे दे। मुझे भी मिल गई है। क्या मिल गई? अरे मेरा सपनों की रानी। अजीत, मैंने तुझे अपना गुरु मान लिया है। जैसी लड़की तूने कहा था ना वैसी मिल गई है। खाना भी पकाती है, पूजा भी करती है और झाड़ू भी। समझ गया, समझ गया। तुम ये बताओ कि शादी वादी कब कर रहे हो? यार बगैर तेरे कंधे के मेरी बंदूक नहीं चल सकती है। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे अपने बाप से बात करते हुए डर लगता है और लड़की बेचारी अनाथ है, उसके माँ बाप से बात करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। एक काम करो यार, उससे जाके डायरेक्ट बात करो ना। नहीं यार, मुझे शर्म आती है और उसके सामने मेरी बोलती बंद हो जाती है। अजीत, तू मेरी शादी की बात क्यों नहीं पक्की कर लेता? तू तो महागुरु आदमी है। अरे यार, जब तू अन्नू को यूं पटा सकता है तो फिर मेरी गीता क्या है? मासूम, भोली भाली सीधी शादी। अजीत, ये तो तेरे बाएं हाथ का खेल है यार। गीता को पटाना बाएं हाथ का खेल। गीता? हाँ, मेरी गीता। सुबह शाम में उसकी माला जपते रहता, हमेशा उसकी फोटो अपने सीने से लगाए रखता हूं। देख ले उसकी फोटो। अबे ऐसे घूर घूर के क्या देख रहा है? वो तेरी होने वाली भाभी है। इसीलिए तो भी जरा गौर से देख रहा हूं। तू तो फिक्र मत कर, मुझे इसका पता बता दे, मैं तेरी शादी पक्की कर देता हूं। मैं पता लेकर आया। ये उसका पता। अच्छा, अब तू घर में जाके आराम से सो। तेरी गीता को मैं पटाके दे दूंगा। अरे कुछ 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 कुछ। हे भगवान, मेरे अजीत की मदद करना, मदद करना, मदद करना। अंदर कोई नहीं है साहब, पूरा बंगला खाली है। तुमने अच्छी तरह से देखा? हाँ साहब, कोना कोना छान मारा, ऐसा लगता है बरसों से यहाँ कोई नहीं रहता। ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब है सरस्वती ने मुझसे।
लोग यहीं ठहरे। बाप ने मुझे तुम्हारे मरने की झूठी खबर दी थी। अब तुम मान डालो, कहीं ऐसा ना हो मैं अन्नू तक पहुंच जाऊं। मैं तुम्हें अन्नू तक पहुंचने से पहले ही खत्म कर दूंगा। आत्मा? हाँ, और तुमने मुझे आत्महत्या करने पर मजबूर किया। लेकिन सरस्वती ने तो कहा था। वो तुम्हारा दोस्त है, इसलिए मैंने सरस्वती के जरिए तुम्हें अपने पास बुलाया। अब तुम क्या चाहती हो? बताओ, तुमने मुझ पर उल्टा होने का इल्जाम क्यों लगाया? जब तक नहीं बताओगे मुझे शांति नहीं मिलेगी, और मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। बता दूंगा तो पीछा छोड़ दोगी? हाँ, छोड़ दूंगी। पूछो, क्या पूछना चाहती हो? तुमने गैर मर्द के साथ मेरे फोटो किस तरह खींची? तुम्हारे खाने में नशा लाने वाली गोलियां मिला दी थी ताकि तुम्हें किसी बात का होश न रहे और मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं। तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? तुम्हें अपने रास्ते से हटाने के लिए, क्योंकि तुम्हारे होते हुए मैं उसे शादी नहीं कर सकता। मैं उसे प्यार करता हूँ। तुम कभी किसी से प्यार नहीं कर सकते। आप तुम कमीने हो। मेरी बेटी का जिंदगी बर्बाद करने के बाद तुम अनु से शादी करने का ख्वाब देख रहे हो। ये गीता की आत्मा नहीं, जीती जाती गीता तुम्हारे सामने खड़ी है। नहीं, ये झूठ। आप मुझे धोखा नहीं दे सकते। अगर ये जिंदा है तो इस वक्त पिस्तौल की गोलियों का असर क्यों नहीं हुआ? बेवकूफ, गोलियां तुमने गीता पर नहीं, गीता की फिल्म पर चलाई थी। क्या, फिल्म पर? हाँ, फिल्म पर। तुम अपने आप को बहुत होशियार समझते हो। देख लिया, मैं फिल्म चला रहा था और तुम गोलियां चला रहे थे। दौलत की चमक ने तुम्हें अंधा कर दिया, वरना खुद एक फोटोग्राफर को तुम इतना बड़ा धोखा नहीं खाते। इतना इस टेप रिकॉर्डर में तुम्हारा एक एक लफ्ज रिकॉर्ड हो चुका है।
ये ड्रामा मुझे इसलिए करना पड़ा कि तुम्हारे काले कारनामों का कोई सबूत मेरे पास नहीं था। अब तुम अनु से शादी नहीं कर सकोगे। अनु के साथ मेरी शादी अब भी कोई नहीं रोक सकता। आप शायद भूल गए, गीता के बच्चलन होने का सबूत, वो सब तस्वीरें और आपका भेजा हुआ लेटर जिसमें इसके मंडे की खबर थी, अब भी मेरे पास मौजूद है। बेवकूफ, वो लेटर तुम्हारे पास नहीं, मेरे पास है, ये देखो। वो सब तस्वीरें और उनके नेगेटिव्स मैंने फाड़ डाले। पहचानते हो मुझे? तू बुरी तरह से फंस गया है अजीत, अब तेरे बचने के कोई चांस नहीं है। संभाल अपने टकले और पेट लगा। अजीत, अब मैं तुम्हें कानून के हवाले करके अपने बेटी के अपमान का बदला लूंगा। बदला लेने का भी वक्त नहीं आया गुप्ता जी। बड़ी चालाकी से आपने अजीत को फंसने की कोशिश की थी, लेकिन आपको फंस पासा पलट चुका है बाबूजी। ये टेप रिकॉर्डर और खत मेरे हवाले कर दिए। सुना नहीं आपने? जल्दी करो अजीत डियर, आज तुम्हारी शादी है, अनु तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। अनु के साथ मेरे फेरे होने तक इन सब की अच्छी तरह खातिर करना। ठीक दो घंटे बाद आप रिसेप्शन में आ सकते हैं। अजीत, अरे यार मैं तेरा दोस्त हूँ, मुझे अपने साथ ले चल। अबे साले, मैं यार आऊंगा तो तेरा सहरा कौन बनेगा? शट अप। चलो इसे कहाँ ले जा रहे हो? इसकी आत्मा को शांति दिलाने। एक गरीब बहुत भारी है, टूट जाएगी, इसको रख लेता हूँ। एक अभी पहले कौन मारेगा? मैं मारूंगा। मार अपने साले, अपने साथी को मारता। खाली टेप रिकॉर्डर ले गया, असली टेप और लेटर तो ये। Yeah.
को खत्म करने की इससे अच्छी जगह और नहीं हो सकती। ठकेल दो गाड़ी को। गुनाहों की सजा है जो भगवान तुम्हें दे रहा है। यहां से गिरने के बाद तुम्हारी हड्डी पसली चूर चूर हो जाए। क्या कर रही हो? इन्हें बचा लीजिए, भगवान के लिए इन्हें बचा लीजिए। ये तुम कह रही हो गीता? जिसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की, जो अभी तुम्हें मार डालना चाहता था, वो सब भूल जाइए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, इन्हें बचा लीजिए। गीता ठहरो। अजीत, अगर तुम्हें थोड़ी सी भी शराफत बाकी है तो गीता से माफी मांग लो। अगर इसने तुम्हें माफ नहीं किया तो शायद भगवान भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। गीता, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। इंस्पेक्टर साहब, ये है जी, इसे गिरफ्तार कर लीजिए। नहीं बाबूजी, नहीं, इन्हें पुलिस के हवाले मत कीजिए, इन्हें माफ कर दीजिए बाबूजी। नहीं गीता, मुझे मेरे किए की सजा मिलनी चाहिए। बाबूजी, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। चलो इंस्पेक्टर। माफ नहीं करोगे? माफ कर दे यार। देख, उधर मंडप तैयार है, यहाँ दुल्हन तैयार है, ऐसा गोल्डन चांस कभी नहीं मिलेगा। कभी नहीं मिलेगा ना? नहीं। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं क्या कबाब में हड्डी बन गया हूँ? हड्डा। I'm sorry. I'm sorry. मैंने तो ये जाना, तू है तो जमाना, बिना तेरे नहीं रहना। तो हम जो छुपाया,